प्रदेश के गृह एवं कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू बुधवार को ग्रैंड एशियन न्यूज के जुनवानी रोड स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय का अवलोकन करने के बाद मंत्री श्री साहू ने प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए राजनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूँ शाहीन खान। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मेरे लिए गर्व का विषय भी है। मेरे सम्मानीय प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज मेरे स्टूडियो में पधारे हैं। मेरी बहुत विनती स्वीकार करते उन्होंने अल्प समय में थोड़ा समय हमें दिया है। थोड़ी सी राजनीति चर्चा हम प्रदेश के गृह मंत्री से करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। आपके चैनल को, ग्रैंड एशियन को, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सर, अभी आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने को है, लगातार अभी ईडी की कार्रवाई और आईटी की कार्रवाई क्या दर्शाती है, जबकि प्रदेश के काका मतलब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में उन्होंने प्रेस वार्ता ली थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार में बनी, हम लोगों ने बनाए, वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ योजना रहा है और उसका परिणाम रहा है कि यहाँ हर व्यक्ति ये कहता है कि अगली सरकार पुनः कांग्रेस की यहाँ पर बनेगी। ये हर आदमी, हर किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला हो, युवक हो, सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार अलग अलग एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं ताकि यहाँ की कांग्रेस की सरकार की छवि खराब की जाए, आम जनता को, आम मतदाता को कांग्रेस से दूर किया जाए। पर ये कितना भी कर लें, ये संभव नहीं है। यहाँ कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी, ये अंतिम सत्य है। आपकी साफ सुथरी छवि दर्शाती है, काफ़ी लोकप्रिय आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव जो रिसाली क्षेत्र के हैं, उसका आंकड़ा क्या होगा? हम जुबानी या आंकड़ों पे नहीं गिनना चाह रहे हैं, वहाँ जैसे आपकी कार्य क्षमता वहाँ काफ़ी अच्छी रही है, कार्य कुशलता भी रही है, तो अभी क्या आंकड़े कहते हैं वहाँ पर, क्या कैसी छवि बना पाएंगे? देखिए, शहरी राजनीति अलग होती है और गाँव की राजनीति अलग होती है। गाँव में बहुत से रिश्ता जो होता है वो भावनात्मक ज़्यादा चलता है, पर रिसाली भी बहुत ज़्यादा शहरी बेल्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रुआ बांधा है, रिसाली है, नेवई है, मड़ौदा है, अभी भी काफ़ी ग्रामीण परिवेश वहाँ भी है, तो वहाँ भी उसी प्रकार के भावनात्मक रिश्ते काम आते हैं। इन 5 वर्षों में कोरोना काल को में को भी जोड़ें तो हम लोगों ने इतना हमारे साथियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, लोगों से, जनता से, मतदाता से सीधा जुड़ने का काम हम लोगों ने किया। विकास काम तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने किया, खूब विकास काम किया है गांव में, शहर में, चाहे वो सड़कों का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, बिजली का मामला हो, अपने स्वास्थ्य का मामला हो, अंग्रेजी मीडियम स्कूल का मामला हो, सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने खूब काम किया है, तो उसका भी असर है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के ऊपर, मतदाता के ऊपर, कि पिछली बार से ज़्यादा वोटों से इस बार मुझको चुनाव जिताएंगे, आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। एक लंबी पारी आपने राजनीति में खेली है और काफ़ी दौर से भी गुजरे हैं आप। हाल ही में जो बीता दशक रहा, आप गृह मंत्री रहे लोक निर्माण विभाग के, इन 4.5 सालों में कौन सा ऐसा PWD लोक निर्माण विभाग का कार्य है जो काफ़ी अच्छी छवि बनाता है, जो लोगों पर छाप भी पड़ी हो? PWD का एक ही मेन काम होता है सड़क,
और पिछले 15 वर्षों में सड़कों में जो काम हुआ वो बहुत नगण्य काम रहा। वर्तमान हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है, हालांकि 1.5 साल कोरोना काल में काम बंद हो गया था, 3.5 साल में जितनी अधिक सड़कें बनाई हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने बजट भी काफ़ी दिया और सर्वाधिक पुल पुलिया, सर्वाधिक सड़कों का निर्माण हम लोगों ने किया। सड़कों की स्थिति जो PWD के द्वारा बनाई गई है या बनाई जा रही है काफ़ी अच्छी है। 1-2 जगह की सड़कें हैं जिसमें हैवी ट्रकें चलती हैं तो उन जगहों पे जरूर कहीं खराबी दिख सकता है, 1-2 जगह पूरे प्रदेश में। और हम लोगों ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, बारिश में कुछ सड़कें खराब होती हैं तो उसको तत्काल मरम्मत किया जाए। हम लोगों ने टेंडर भी करवा दिया है, बजट भी दे दिया है, पैसे भी दे दिए हैं हर ज़िले में। तो सड़कों का अच्छा बनना, सर्वाधिक सड़कों का बनना और पुल पुलिया का बनना, ये लोक निर्माण विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री का क्षेत्र पाटन रहा है। हाल ही में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों की घोषणा में बघेल सर, जो विजय बघेल सांसद है, उनका नाम वहाँ से दिया है, बघेल वर्सेस बघेल। क्या वहाँ पर अपनी छाप बना पाएगी कांग्रेस सरकार? कांग्रेस की छाप बनाने वाली बात नहीं है, कांग्रेस की छाप तो है, नए सिरे से कुछ बनाने वाली बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ से विधायक बनते आए हैं और वर्तमान में तो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में जो काम उन्होंने किया है पूरे प्रदेश में, न केवल पाटन विधानसभा क्षेत्र अपितु पूरे प्रदेश में, उसको सराहनीय काम है, जनता सराह रही है और इसीलिए जनता ने नारा दिया है भूपेश है तो भरोसा है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर हम लोग सोचें तो पाटन में कांग्रेस काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में है, किसी दूसरे की कोई स्थिति वहाँ नहीं बन सकती। वही अगर बात की जाए वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो ऐसा लोगों की जुबान पर भी है, चर्चाओं में भी रहता है कि वो भाजपा का गढ़। क्या इस बार उनका ये दूरंदेशी जो वो है अंदाजा, वो गलत हो सकता है? इस बार निश्चित तौर पर गलत होगा, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता रहा है कि ये RSS के लोग हैं, यहाँ भाजपा का गढ़ है, ये सब माना जाता रहा है। पर पिछले बार हम लोगों ने भजन सिंह निरंकारी को खड़ा किया था उपचुनाव में, और उस चुनाव उस समय तो इनकी सरकार थी, तो उस समय हम लोगों ने ये सीट जीता है। तो इस बार हम लोग पूरा विश्वास है कि सहजता से वैशाली नगर विधानसभा चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहिए? ग्रैंड एशियन के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यहाँ के सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जनता तक समाचार प्रसारित करते हैं, बिना लाग लपेट के समाचार प्रसारित करते हैं, जो आवश्यक होता है उन तमाम जानकारियों को पहुंचाते हैं। इसलिए ग्रैंड एशियन के सभी श्रोता को, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि ग्रैंड एशियन को इसी प्रकार अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें, ताकि ये चैनल जनता के सामने समस्त सूचनाओं को प्रसारित करने में कामयाब होता रहे। बहुत बहुत बधाई सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने अल्प समय में हमें थोड़ा समय देने के लिए। तो ये थे राज्य के यशस्वी गृह मंत्री दामोदर साहू जी। अपने अल्प समय से उन्होंने हमें थोड़ा सा समय दिया, हमने चंद चर्चा उनसे राजनीति को लेकर की, बहुत ही अच्छे बेबाकी से जवाब उन्होंने दिए। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़।